अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि ये वीडियो जो है ना आपको सारे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपको इंग स्विंग के बारे में बताने वाला हूँ कि हम इंग स्विंग किस तरह करेंगे। दोस्तों मैंने सारे यूट्यूब जो है ना सर्च की, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इंग स्विंग के रिलेटेड। बहुत से लोग बस सिर्फ इस तरह करते हैं, बस ये ग्रिप इस तरह पकड़ो तो आपका इंग स्विंग हो जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ बस ग्रिप सिखाते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते। मैं आज आपको इस वीडियो में जो है ना प्रैक्टिकली भी करूंगा और ग्रिप भी सिखाऊंगा और लेंथ जो है ना इंग स्विंग बोल के वो भी मैं आपको सिखाऊँगा आज इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो जो है ना पूरा वॉच करें और दरमियान में स्किप ना करें ताकि आपको वीडियो की सारी समझ आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको पहले जो है ना इस बॉल की ग्रिप सिखाने वाला हूँ, फिर जो है ना मैं आपको इसका एंगल सिखाऊंगा और फिर जो है ना इसकी लाइन और लिंक सिखाऊंगा आज इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको टाइम मिले तो हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी हमारा चैनल ज़रूर करें। तो दोस्तों टॉपिक जो है वो है इंग स्विंग हम किस तरह करेंगे। दोस्तों मैंने 2-3 बॉलें अपलोड की है इस वीडियो में, आप हमारे ये 2-3 बॉलें भी देखो और मैं आपको इसका ग्रिप सिखाऊंगा। तो चलते हैं ग्रिप की तरफ। दोस्तों इस बॉल की ग्रिप जो है ना, ये इंग स्विंग की ग्रिप, ये बहुत इजी है। अगर आप हमारे ये सारा टिप्स जो है ना सारे अगर आप इसे अप्लाई करोगे अपनी क्रिकेट लाइफ में तो इंशाल्लाह आप भी अच्छी तरह इंग स्विंग बॉल डालोगे। देखो दोस्तों ये हमारा बॉल है इस तरह, जब हम इंग स्विंग करेंगे तो हम ये बॉल जो है ना ये हम इस तरह थोड़ा ग्रिप इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे और इंग स्विंग जो है ना ये हम इस फिंगर से करेंगे। ज़्यादातर कमाल जो है ना इंग स्विंग में इस फिंगर की होता है। बहुत से लोग जो है ना बस इस तरह दोनों फिंगरों से करते हैं तो इनका इंग स्विंग जो है ना वो थोड़ा होता है। अगर आप ज़्यादा फोकस जो है ना इस फिंगर पे करोगे, इस पे थोड़ा करोगे, इस पे तकरीबन 70% जो है ना फोकस आप इस तरह इस फिंगर पे इस तरह करो और ये फिंगर जो है ना इस पे 30% इस तरह बॉल पे रखो। तो दोस्तों अब जब ये बॉल जो है ना रिलीज़ करोगे तो ये बॉल जो है ना ये बहुत अच्छी तरीके से इंग स्विंग की तरफ जाएगी। मैंने तो बॉल अपलोड किया इस वीडियो में, आप वो बॉल भी देखे कि किस तरह हमारे बॉल जो है ना अच्छी तरह इंग स्विंग की तरफ जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप जो है ना अगर आप इंग स्विंग के शौकीन हो तो इंग स्विंग जो है ना दोस्तों वो आप पहले इसका ग्रिप जो है ना अपने बॉलिंग का सीम, आप जब बॉल रिलीज करोगे कि आपका सीम जो है ना इस तरह सीधा जाता है तो तब आप हमारे ये टिप्स अप्लाई करो अपने बॉलिंग में। अगर आपका ग्रिप जो है ना सीम यानी ये सीधा नहीं है, अगर आप बॉल रिलीज करोगे आपका बॉल इस तरह इधर उधर जाता है सीम, तो आपका बॉल जो है ना अच्छी तरीके से फिर स्विंग नहीं होगा। आप पहले अपना सीम जो है ना इस तरह सीधा करो, जब आप बॉल रिलीज करोगे तो आपका सीम इस तरह सीधा जा रहा हो तो तब इसके बाद जो है ना हमारे ये टिप्स आप अपनी बॉलिंग में अप्लाई करो। दोस्तों इंशाल्लाह आपका अच्छी तरीके से इंग स्विंग हो जाएगा। फिर जो है ना दोस्तों एंगल, हमारा एंगल किस तरह होगा जब हम इंग स्विंग बॉल डालेंगे, किस तरह होगा हमारा एंगल। देखो मैंने ग्रिप बनाया इस तरह, ये बनता है हमारा ग्रिप, ज़्यादातर फोकस इस फिंगर पे, इस पे थोड़ा सा है हमारा ग्रिप जो है ना ये इन साइड पर आपको नज़र आ रही होगी। देखो जब हम जो है ना ये बॉल रिलीज़ करेंगे तो हम किस एंगल से रिलीज़ करेंगे, हमारा ये जगह जो है ना हाथ का ये जगह ये इस तरह सीधा होगा सीधा, और ये एंगल जो है ना ये हम इस तरह करेंगे जब हम इन स्विंग बॉल मारेंगे, ये इस तरह सीधा नहीं होगा, ये हम अंदर की तरफ इस तरह करेंगे, ये जगह सीधा होगा और ये एंगल जो है ना हम इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं होगा, इस तरह अंदर की तरफ करेंगे इस तरह। इसके बाद जो है ना हम ये बॉल रिलीज़ करेंगे इस तरह हम आगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी ये सीधा होता है ये जगह और ये अंदर की तरफ होता है, तो हमारे हाथ से ये बॉल जब जाएगा तो ये अच्छी तरीके से इंग स्विंग की तरफ जाएगा। तीसरी बात ये है दोस्तों कि हम किस लाइन पे ये बॉल पिच करें, इस बॉल की लाइन लेंथ कौन सी है। दोस्तों
मैं आपको इस बॉल की लैंड करने की जगह भी बताता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आओ मैं आपको इस बॉल की लैंड करने की जगह बताता हूँ। दोस्तों ये है हमारी जगह, बैट्समैन की जगह। यहाँ बैट्समैन खड़ा होता है, यहाँ बैट्समैन खड़ा होता है, ये है क्रीज। तो हम जो है ना, हम 3 स्टेप आगे ये बॉल लैंड करेंगे। किस जगह पे? ये बैट्समैन की बाया फाउ है। आप जो है ना ये बॉल इस लेंथ पे आप ये बॉल पिच करोगे। तो दोस्तों इस पे LPW का चांस भी ज़्यादा होता है। अगर बैट्समैन जो है ना पाँव पे लगता है तो बॉल जो है ना ज़्यादा बाउंस नहीं होगा और आपको विकेट मिलेगा। तो ये जगह जो है ना, ये आपकी इस बॉल की लैंड करने की जगह है। आप 2, 3 या 4 स्टेप आगे ये बॉल पिच करोगे बैट्समैन के पाँव से थोड़ा आगे। मैंने आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो है ना, मैंने आपको ये सब टिप्स जो है ना मैंने आपको सिखाया इस वीडियो में। मैंने आपको इंग्लिश का ग्रिप जो है ना वो भी सिखाया, और एंगल किस तरह आपका होगा ये भी सिखाया, और फिर जो है ना लैंड करने की जगह यानी लाइन और लेंथ इंग्लिश बॉल की ये भी सिखाई। दोस्तों अगर आपको हवा में यानी न्यू बॉल पर इंग्लिश का वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे इस चैनल में मौजूद है। आप हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं और वो वीडियो जो है ना आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है ना आपको पसंद आती है तो ये वीडियो जो है ना दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह के बाद।